करण जौहर के शो कॉफी विद करण शुरू हो चुका है। इस टॉक शो के अब तक 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और 14 रिलीज के लिए तैयार है। इस बार आमिर खान और करीना कपूर शिरकत करने वाले हैं। शो में आमिर खान की जिंदगी से जुड़ी कई राज सामने आने वाले हैं। साथ ही करीना की निजी जिंदगी को लेकर भी बातें सामने आ सकती है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इस बार कॉफी विद करण में अपनी एक्स वाइफ किरण राव और रीना दत्ता के साथ अपने रिलेशन के बारे में बात करते नजर आएंगे। शो में उन्होंने कहा है कि वो दोनों के साथ कांटेक्ट में है और उनसे मुलाकात करते रहते हैं। आमिर खान ने कहा कि मेरे मन में उन दोनों के लिए बहुत सम्मान है, हम लोग हमेशा परिवार ही रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हम सभी हफ्ते में एक बार साथ मिलते हैं, चाहे हम कितने भी बिजी हो, हम लोगों को एक दूसरे की परवाह भी है। आपको बता दें कि आमिर खान की पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता है। फिल्मों में आने से पहले ही आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी कर ली थी। तालमेल ढंग से ना मिलने के बाद आमिर ने रीना से तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद एक्टर ने साल 2005 में किरण राव से शादी कर ली। 15 साल एक साथ रहने के बाद दोनों ने साल 2021 में एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला लिया। दोनों ने सोशल मीडिया पे बताया था कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है और वो अपने बेटे आजाद राव खान की मिलकर परवरिश करेंगे। लेकिन आपका इस न्यूज के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फिल्म्स को।